तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नितीश त्रिपाठी है और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी इस टाइम मैं क्यों निकला हुआ हूँ ट्रैवलिंग के लिए या ब्लॉगिंग के लिए। तो दोस्तों, मैं बता दूँ आप लोगों को कि इस टाइम मैं जा रहा हूँ गाँव। अभी वहाँ पर गेहूँ कट रहा है इस टाइम, इसीलिए इसी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। 8 बज रहे हैं तो अभी हम निकल रहे हैं। तो देखिए, 45 किलोमीटर का रास्ता है गोरखपुर से, तो 10 बजे तक हो सके पहुंच जाएंगे। तो फिर आपको दिखाते हैं वहां जाने के बाद से। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। पहले तो सुबह हो गई है और भाई कल रात में ज़्यादा थक गया था। मान लीजिए 45 किलोमीटर का यात्रा करके फिर उसके बाद से गेहूँ भी तुरंत तो खेत भागना पड़ा। मशीन आई थी मैं, वो तो रात में था, कुछ खास दिखा नहीं पा सका आप लोगों को। और रात में थोड़ा बहुत दिखाया गेहूँ आप लोगों को कट के आने के बाद घर पे। तो दरअसल हमारा खेत भी यहाँ से 1/2 किलोमीटर पड़ता है, तो उस समय DCM आ गया था टाइम से, वरना वहाँ से भी साइकिल से लेकर आना पड़ता। ये हमारा बंगला है इस साइड, ये ईंटे का है। तो और जो इस साइड वाला घर है, ये पूरा मिट्टी का खपड़े वाला घर है। तो आइए पहले पुराना वाला आप लोग को घर दिखाते हैं भाइयों। इसे हम ये लिंटर का है आगे वाला जो छत है ये, और इस साइड ये पूरा ईटा है भाइयों। जिस तरह शहर में गेट के सामने लोग नाम लिखते हैं ताकि लोग आए तो पहचान जाए, उसी तरह गाँव में भी नाम लिखाता था। तो आइए हम आप दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर ये कोठरी है, तो यहाँ पर हमारे बाबा जी का नाम है, ये देख लीजिए लिखा हुआ। और इन्होंने MA हिंदी समाजशास्त्र से की थी और प्रवक्ता थे PD कॉलेज कुराउल गोरखपुर के, टीचर भी थे सरकारी स्कूल के। अंदर जब चलेंगे अंदर तो मिट्टी का सारा दीवार भी है। और ये देखिए, ये जो दरवाज़ा है पिछले समय का डिजाइन गजब करते थे पिछले समय में लोग। तो ये आम का है, और मुझे नहीं पता आम का है कि किस चीज़ का है, वैसे जहाँ तक पता है आम ही का होगा। ये पूरा ऊपर जर्जरा हो गया है, ऊपर जाने लायक नहीं है। और चलिए कुछ दूर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग ऊपर, ये सारी लकड़ियां हैं और सब मतलब लकड़ियों से ही पूरा ये छाया हुआ है, और इसके ऊपर खपड़ा लगा है। तो ये पूरा टूट गया, तो ऊपर जाने लायक नहीं है। तो अभी मैं नीचे चलता हूँ। ये बरसात के मौसम में हुआ था जो टूटा है, और ये दलानी एक तरह से हम लोग कहते हैं। और फिर ये एक और दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए, बट खोल लेते हैं। ये रहा सीकर, चलिए खोल दिए हैं। तो आइए अंदर अंदर आ जाते हैं। बस यहाँ पर आप लोग को दिखा दूँ कि देखिए सारी मिट्टी की दीवार है हमारे पीछे, यहाँ से शुरू वहीं से शुरुआत है, लेकिन वहाँ पर ईटा लगा हुआ है। और यहाँ पर अंदर आ जाएंगे तो ये सारी मिट्टी की दीवारें हैं। इधर आपको जितना भी दिखा दूँ, और ये है खम्भा, ये लकड़ियों का खम्भा लगाया जाता था पहले समय में। और ये देखिए सपोर्ट के लिए दिया गया है, ये भी डिजाइन बनाया गया है। और ये है आंगना, ये इतना दूरी पूरा आंगना है। और मैं और दिखा दूँ तो इस साइड देख लीजिए, ये सामान वामान रखने के लिए, इसे गांव में लोग कहते हैं ताखा, और शहर की भाषा में अलमारी कहा जाता है, लेकिन इसे ताखा ही कहा जाता है गाँव में। और चलिए इधर भाई दिखा दूँ आप लोगों को, यहाँ पर एक बैठने के लिए तख्ता रखा हुआ है, और एक रूम यहाँ पर भी है, तो अभी इसे बंद रहने देते हैं। और यहाँ पर पूजा वूजा होता है भगवान का, तो इस घर में भी कोई रहता नहीं है। दिखा दूँ आप लोग को, देखिए यहाँ पर रहने लायक है नहीं, क्योंकि उधर का जो खपड़ा है वो, इधर भी घर भी जर्जरा हो चुका है काफ़ी। तो एक चीज़ और आप लोग को दिखा दूँ, इस साइड देख रहे होंगे आप लोग, ये भी बरसात के समय गिर गया था, ये किचन था हम लोग का पहले, ये देखिए। तो अंदर तक है, उधर आप लोग को दिखा दूँ तो उस साइड तक पूरा ये सब पूरा गिर गया है, टूट गया है। और उधर भी 2-3 रूम है, मतलब सारी इधर की मिट्टी की दीवारें हैं। और ये आंगना है, यही है बस, उधर डेहरी रखा हुआ है, यही है। तो चलिए बाहर चलते हैं। मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। ये देखिए सीकर के समय ये कुंडी कहते हैं हम लोग, कुंडी, हाँ बंद हो गया।
और निकली जी द्वार पे। द्वार पे क्या है कि उधर वो अमरुद का पेड़ है उस साइड, और वो शौचालय है। तो भाई गांव में हमारे हर जगह शौचालय बन चुका है, और ऊपर वाईफाई का सिस्टम भी है। आप लोग को दिखा रहे हैं, तो अब दिख नहीं रहा होगा, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ अभी आप लोग को। देख रहा होगा वो वाईफाई है BSNL का, जो कि अभी चालू नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से हर गांव में लगाने का था, तो अभी वो चालू नहीं किया गया है। हो गया इसे 6-7 महीना लगे भी हो गया और नहीं चालू हुआ है। तो चलिए देखते हैं कब तक चालू करते हैं लोग। मान लीजिए इसमें चुनाव का समय चल रहा है। और इधर ये जो पेड़ देख रहे हैं अमरुद का, ये तो पहले एक अमरुद का पेड़ था जो कि बड़ा था। ये अमरुद का पेड़ तो उस समय हुदहुद तूफान आया था, एक उसी समय गिर गया, तो उसी का एक जड़ से एक और अमरुद का पेड़ निकला। तो अभी इतना ही छोटा है, फिर भी फड़ता है इसमें अमरुद। और यही है, पूरा पेड़ वेड़ लगा हुआ है इस साइड भी खूब, और उधर खेत है, रहर और बोया हुआ है, गेहूं की कटिया भी चालू हो गई है।